नमस्कार दोस्तों, राघव आर्य में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पे रियलमी C3 के मार्च 2020 के नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। यहाँ पे दोस्तों रियलमी C3 के अंदर A.15 करके एक अपडेट जो है वो रोल आउट होना चालू हो चुका है। फिलहाल दोस्तों मेरे पास है रियलमी C3 और आपको मैं अभी जगह दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर अपडेट में, तो फिलहाल आप अभी देख पाओगे कि मेरे पास अपडेट नहीं आया है। अभी जो करेंट वर्जन है वो है A.03, जो अपडेट आया था फरवरी के महीने पर वही अभी फिलहाल चल रहा है। लेकिन ऑफिशियल मैनुअल साइट पे जो है अपडेट आ चुका है। अगर आप जाके चेकआउट करोगे रियलमी के ऑफिशियल सॉफ्टवेयर अपडेट पेज पे, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा रियलमी C3 के A.15 वाला अपडेट, जो कि आज ही रिलीज किया गया है रियलमी के तरफ से। मतलब डेट यहां पे 17 मार्च, लेकिन ये अपडेट जो है आज रिलीज हुआ है। अभी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देखो, जहां पे किसी बंदे ने शेयर किया है ये स्क्रीनशॉट रियलमी कम्युनिटी के अंदर। और क्लियरली आप देख सकते हो कि यहां पे A.15 करके एक अपडेट जो है रियलमी C3 के अंदर मिल चुका है। और यहाँ पर दोस्तों साइज के बारे में नहीं पता, मतलब OTA की साइज कितना है वो मुझे नहीं पता। मैं इस अपडेट को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने वाला हूँ आज रात को, और इसकी जो डिटेल वीडियो है वो आपको मिलेगा कल सुबह में, या फिर शायद आपको मतलब दोपहर के आसपास मिल सकता है। ठीक है, सुबह में डालने की कोशिश करूंगा, अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है तो दोपहर के आसपास आपको जरूर से मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं अपडेट लॉक की, तो यहाँ पे आपको बग फिक्स अपडेट देखने को मिल जाते हैं। यार बहुत सारे बग्स थे जिसको यहाँ पे फिक्स किया गया है स्पेशली कैमरा के डिपार्टमेंट में। मतलब जो भी आपको यहाँ पे चेंज लॉग मिलेगा वो सब के सब कैमरे के रिगार्डिंग होने वाला है। तो सबसे पहले आप देखोगे इम्प्रूव फ्रॉम कैमरा प्रीव्यू क्लियरिटी, मतलब फ्रंट कैमरे की जो प्रीव्यू क्लियरिटी है उसको यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया गया। साथ में इम्प्रूव्ड द एक्यूरेसी ऑफ फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट मोड, साथ में इम्प्रूव्ड द ब्राइटनेस ऑफ द 3-party APK फ्रंट कैमरा अंडर द बैक लाइट। 3-party APK शायद 3rd-party APK होगा, नहीं पता, शायद इन लोगों ने गलती वगैरह कर दिया है। नीचे देखोगे तो इम्प्रूव्ड द क्लियरिटी ऑफ रियर कैमरा पोर्ट्रेट मोड इन डार्कनेस, साथ में इंप्रूव्ड द क्लियरिटी ऑफ रियर कैमरा जूम 2x या फिर 4x मोड पे, और इंप्रूव्ड रियर कैमरा प्रीव्यू क्वालिटी, ऑप्टिमाइज द नॉइज ऑफ रियर कैमरा इन डार्कनेस, ऑप्टिमाइज द नॉइज ऑफ रियर कैमरा वीडियो, ऑप्टिमाइज द क्वालिटी ऑफ स्लो मोशन प्रीव्यू एंड वीडियो। और नीचे देखोगे फिक्स्ड ऑप्टिमाइज द इशू दैट सम मेनू पेजेस आर स्लाइटली स्टक व्हाइल स्वाइपिंग लेफ्ट और राइट। ये यार काफी अच्छा मतलब अपडेट है। अगर आप किसी भी मतलब एक ऐप से दूसरे ऐप पे जाते हो तो कभी कभार जो एनिमेशन है ना वो मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लैग हो रहा है या फिर फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, हालांकि ऐसा है नहीं लेकिन ऐसा लगता है। तो उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अगर आप लेफ्ट राइट करोगे नीचे की तरफ से स्वाइप, मतलब एक ऐप से दूसरे ऐप पे अगर जाओगे तो वो जो इशू है स्टकिंग वगैरह का वो अभी आपको नजर नहीं आएगा। और नीचे देखोगे तो ये भी काफी एक अच्छा सा अपडेट है, ऑप्टिमाइज जायरोस्कोप सेंसिटिविटी इन गेम्स। मतलब जो प्लेयर यार जायरो खेलते हो पबजी वगैरह में, हालांकि पबजी के तरफ से जायरो तो अवेलेबल है लेकिन जायरो सेंसर ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन अगर आप फिर भी जायरोस्कोप को यूज करते हो पबजी वगैरह में तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूव कर दिया है। उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया है। और साथ में जितने भी बग्स थे कैमरे के अंदर, चाहे रियर कैमरे की हो या फिर चाहे फ्रंट कैमरे की हो, चाहे प्रीव्यू क्वालिटी हो या फिर फोटो को क्लिक करने के बाद जो पिक्चर आता है अल्टीमेट जो फाइनल जो पिक्चर आता है वो हो, या फिर चाहे आप जूम को यूज कर रहे हो 2x 4x, या फिर चाहे आप पोर्ट्रेट मोड यूज कर रहे हो किसी डार्क एरिया पे, तो जितने भी इशूज थे स्लो मोशन के जो इशूज है उसको भी फिक्स किया गया है, साथ में नॉइस को भी फिक्स किया गया है वीडियो के अंदर। तो बेसिकली कैमरा में जो भी बग्स थे उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऐप स्वाइपिंग वाला मतलब सीन था, अगर आप एक ऐप से दूसरे ऐप में जाओगे नीचे की तरफ से, मतलब अगर आप बोथ साइड जेस्चर यूज करते हो तो आपको पता होगा, तो उस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। और साथ में जैसे बताया कि जायरोस्कोप को भी यहाँ पे थोड़ा सा जो सेंसिटिविटी है उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों मार्च के महीने का सिक्योरिटी पैच तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं इसको अपडेट करूंगा आज रात को जैसे मैंने बताया, और देखते हैं भाई उसके बाद क्या कुछ चेंजेस आता है। जो भी होगा उसके बारे में डिटेल रिव्यू वीडियो आपको मिल जाएगा कल। तो उसके लिए यार अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर करना। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर उस ऑल वाले बटन पे क्लिक कर देना। पता है यार बहुत तेज़ बोलता हूँ मैं ये लाइन, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब हैबिट हो चुका है तो इसलिए तेज़ बोलना पड़ता है। तो वही है, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को बजा दो और ऑल पे भी क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, हमेशा स्मार्ट रहिए।